गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और क्या हो रहा है भाई, हम अभी अभी बाहर निकल रहे हैं। मैं और पापा एक ढाँच लेने जा रहे हैं। ढाँच जो होती है वो सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के, अपन कुछ अपने ये सब साफ कर सकें, ऊंचाई वाली चीज़ें जो भी कुछ करनी है घर के अंदर, तो वो खरीद के लेकर आते हैं। बस निकल ही रहे हैं। तो ये वाली हमें पसंद आ गई और ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है। इस पे खड़े होने की मजबूत भी है और 4 फीट के आसपास है। हम लोग खुद सारे के सारे 6 फीट के आसपास के, तो बस 10 फीट ही हमारी हाइट होती है सीलिंग। ये दरवाजे भी लगवाने हैं मेरे को, ये इसकी और बात कर दी है मैंने, इनको एड्रेस दे दिया, ये आके लेके जाएंगे उसका नाम। तो हमने ले लिया वो लैडर। आओ आओ बैठो, हम मोटरसाइकिल पे ही आए थे। अब ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़े कांच पड़े हुए थे घर में, वो भी बेच दिए। लो जी, हो गया। ये चैनल की तरह है, ये चैनल मैं देता हूँ ढूंढ के नीचे, और सारी चीज आ गई। वो ये वाले कांच किसके हैं जो रखे वो मोटे हैं, ये तो ये तो अलग है। ये चीजें घर में काफी दिनों से पड़ी हुई थी, कांच हैं ये सब, इनको लगाने के फ्रेम वगैरह, तो ये भी हमारे कोई काम नहीं आ रही थी, तो इनको भी बेच ही दिया मैंने। एक बंदा खा के ले गया तो मैंने कहा ले जाए यार। ये भी 4-5 दिनों से घर के अंदर से काफी चीजें निकाल दी हमने। अब एक और चीज़ है जो हटानी है ऊपर से, तो वो फिर खाली हो जाएगा, फिर इस्तेमाल करने के लिए और जगह मिल जाएगी। दूर है, ये दिखाओ गीगा, आप देखोगे इसे, खड़े होके देखोगे। तेरा नंबर आ जाओ, ले लगा के देखिए इसमें खड़ी करके। पापा को नया खिलौना मिल गया है, अब पापा ऊंचाइयां छुएंगे, अब ऊंचाइयां छुएंगे पापा। हाँ, इस पे खड़े हो जाओ। कहे 1-2 दिन अटपटा लगे, उसके बाद नहीं लगेगा कुछ। आ गया सही साइज आपका, देखो वो पीछे पापा आसमान को छू के हैं। हाँ ठीक है भाई, पापा है हमारे 5'11" और मैं हूँ 6'2" और नवनीत है 6'1". 5'10" हो आप? अच्छा बस, तो नहीं इतना भी नहीं पूछना बहुत डिटेल, ये तो ज्यादा डिटेल चले गए आप पापा। किसके पापा गिरेंगे? और ये किसका है? सही है, ये आराम से काम हो जाएगा इस पे, मतलब ये हाथ से सफाई आराम से हो जाएगी। देखो गंदा हो रखा है पूरा, इन पे मेहनत करने की जरूरत है। सब कुछ और नीचे चढ़ जाओ बच्चों, तो ये हमारी ये भी साफ हो जाएगी अभी से। तो गाइस पापा इधर है, सीढ़ी लिया है, चलो इस पे चढ़ के देखते हैं। घी की भी चढ़ चुका है, वारंटी के रजिस्ट्रेशन खिलाया कर। अब तो गाइस आसमानों की ऊंचाई पे जा रहा हूँ मैं। ये ऐसे भी हो जाती है ना, तो इसको इस तरीके से लैडर बना दो तो ये वैसे भी हो जाएगी। बस इससे ऊपर क्या करेगा मैम, पहुंच गए कि आसमानों की ऊंचाई छू ली क्या तूने? ठीक है आ जा। तो आज के खाने में हमें सर्व किया गया है छोले भटूरे। ये है, ओए ओए, एक चॉकलेट 100 बीमार वाले, एक अनार 100 बीमार। गोती कहाँ है? ऊपर अकेला छोड़ गया है, ले गया उसे। नहीं वो थोड़ी देर में बैठा था, ढूंढ रहा है क्या? तो अब चलते हैं, मेरे को डर लगता है अकेले में ऊपर, तो आपको लेके जा रहा हूँ क्योंकि केक लाना है। चलो तो चलते केक लाने। वेयर है केक? कहाँ है केक? कहाँ है? इसमें नहीं है। अब ये सब सारा सामान रखना है।
तो गाइस अब रखते सारा सामान बस कर दो। ये है 3 केक्स, केक्स उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। ये देखो फिंगर है, फिंगर केक। चलो इधर से जम मारो। तो चलते हैं। एक आपका पापा, एक आपका हार्दिक। मेरे चेप हो गया है कि एक लाइव आएंगे जल्दी से और इसका आगे का गेम है ना खेलते हैं, क्योंकि फिर पापा कहते हैं कि लाइव में मिशन दिखाना है तो मैं खेल नहीं पाता फिर। तो होता ही है ना, मिशन तू पूरे कर लेगा फिर अपन लाइव किस काम के आएंगे, फिर बोर होते हैं देखने वाले, तो अपन मिशन है ना लाइव आके कर ले। अब भाई नई ढांच आ गई तो इसको भी साफ कर देते हैं। ये देखो कितना गंदा और खा है गंदा, इसको अब चढ़ के इसे साफ कर देते हैं। चलिए तो कर दिया है मैंने इस पे चढ़ के और ये साफ हो चुका है। अब उस साइड का बार वाला जो हमारा है उसको और कर देते हैं। ये छुटकू सा भी गंदा और खा, देखो इसको भी साफ कर देते हैं। साधना करेगी क्या? चढ़ जाओ, चढ़ जाओ ऊपर। इनका भी करेगा ये सारे के सारे करोगे तो फिर काम नहीं। इस साइड से चढ़ना होता है, इस साइड से इसको घुमा दो। तो गाइज हमने आज पूरे दिन भर में काफी जगह की सफाई कर दी। आज नया सामान खरीद के लेके आए थे, उसकी हेल्प से ऊंची ऊंची जगह पे चढ़े और वहां से सफाई करी। पूरे दिन इन्हीं कामों में लगे रहे, थोड़ी देर रेस्ट किया। नवनीत पूरे दिन से गेम खेल रहा है बैट बॉल बाहर जाके, अभी भी वो बाहर है और अब आने वाला होगा। बच्चे दोनों जो छोटे हैं नीचे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और रो रहे हैं। हार्दिक बाहर खेल रहा है, कल उसका एग्जाम है, पढ़ाई नहीं की उसने अभी तक। तो गाइस कुछ ऐसा है हमारा आज का दिन। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।